हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करूंगा एक और लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से ही, रिब्स और रिब केज के बोन्स की एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है दोस्तों, कि नंबर ऑफ़ बोन्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, कितनी है। साथ में इस इम्पॉर्टेंट है कि पता हो आपको कौन से पेयर ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं और कौन से इनमें से फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फ्लोटिंग रिब्स है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। तो काफ़ी बार आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं इन सब में कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी फ्लोटिंग होगी। तो इसी की मैंने निमोनिक बनाया आपके लिए। निमोनिक से पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कितनी रिब्स होती हैं। टोटल हमारी 12 पेयर होते हैं रिब्स के, मतलब 12 इस साइड और 12 इस साइड। उसमें से 7 आपकी ट्रू होती है। ट्रू कौन सी कहलाती है दोस्तों, जो हमारी डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हो और वेंट्रली हमारी स्टर्नम से, आगे की साइड आप स्टर्नम देख रहे हैं, स्टर्नम से जुड़ी हो, तो उन्हें हम ट्रू कहते हैं। तो ऐसी 7 पेयर होती हैं टोटल, जो 1 to 7 स्टार्टिंग के पेयर होते हैं वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद जो होती है 8 से 12 तक, वो हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं। वो फॉल्स रिब्स क्यों कहलाती हैं, क्योंकि वो वेंट्रली स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, वो हमारी 7th रिब से जुड़ी होती है, तो इसलिए उन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो बाकी के जो पेयर होते हैं 3 पेयर जो है उसके बाद 8, 9, 10, वो हमारी 7th से जुड़ी होती है, और आखिरी की 2 हमारी फ्लोटिंग होती है, जो 11th और 12th है पेयर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब याद कैसे करेंगे उसके लिए मैंने निमोनिक बताया, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फॉल्स हमारी एंडिंग की 5 जो होती है वो फॉल्स होती है, उन 5 में से 2 हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ट्रिक देख लेते हैं अब। जो मेरा निमोनिक है वो है आपको, ऋषभ बाहर चले साथ 2 दिन पीने। तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे जिसका नाम ऋषभ है, ऋषभ चल बाहर चलते हैं, आपकी 2 दिन छुट्टी पड़ी है वीकेंड में, तो बाहर चलते हैं पीने 2 दिन। तो ऐसे करके आप उससे पूछ रहे हैं। तो इससे आपको क्या याद रहेगा दोस्तों, बाहर से आपको ऐसे स्पेल, ऐसे आवाज़ आ रही है बाहर, 12 12, तो 12 टोटल होती है। ऋषभ से रिप्स याद रखना है, बाहर से 12 याद रखना है आपको, टोटल 12 है। तो चले साथ 2 दिन पीने, चले साथ 2 दिन पीने। तो 7 से आपको 7 साउंड हो रहा है, 7, और 2 दिन से मतलब आपकी वीकेंड की छुट्टी पड़ी है, आप उसके साथ 2 दिन पीने के जा रहे हैं, और ज़्यादा पी के बंदा उड़ने लगता है, फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो ऋषभ से होगा हमारे रिप्स, बाहर से होगा हमारा 12 हो साउंड कर रहा है, चले साथ, साथ मतलब 7 हमारी ट्रू रिप्स है, आपको इससे याद रखना है, साथ, और उसके बाद 2 हमारी फ्लोटिंग है, पीने के बाद बंदा फ्लोट करने लगता है, तो उससे फ्लोटिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस।